विधानसभा के प्रश्नकाल में एक बार फिर बजरी खनन और निर्माण कार्य प्रभावित होने का मुद्दा गूंजा। कांग्रेस विधायक सुखराम बिश्नोई के सवाल पर सदन में हंगामा और बवाल हुआ। बिश्नोई ने जहां रोक के चलते पीएम आवास योजना प्रभावित होने की बात कही, तो वहीं कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने भी पूरक सवाल कर राज्य सरकार पर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कमजोर पैरवी करने का आरोप लगाया। डोटासरा ने कहा कि बजरी संकट के चलते सारे निर्माण कार्य ठप हो गए और सरकार और बीजेपी नेताओं के संरक्षण में बजरी माफिया चौगुने से आठ गुने तक दामों में बजरी बेच रहा है। जवाब में खान मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी ने पलटवार करते हुए इसका ठीकरा पिछली गहलोत सरकार पर फोड़ दिया। मंत्री ने कहा कि इसकी जड़ में जाएं। पिछली सरकार ने जाते जाते हजारों बीघा जमीन पर खनन के पट्टे जारी कर दिए थे। बजरी माफिया पर अंकुश लगाने के लिए 27 खनन पट्टे रद्द किए और 180 FIR दर्ज कराई। सरकारी योजना में STP चाहने पर 15 दिन में जारी करेंगे। मनरेगा कार्य हो चाहे प्रधानमंत्री आवास काम चल रहे हो, तमाम के तमाम पिछले कार्य चार पाँच महीनों से निर्माण कार्य विकास कार्य बंद पड़े, केवल मात्र बजरी का आयात नहीं होने से, बजरी नहीं मिलने से। मैंने प्रश्नकाल में ये भी मुद्दा उठाया कि क्या सरकार इन पंचायतों को, इन व्यक्तिगत जो लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास जिनके मिले उनको बजरी में अनुदान देना चाहती नहीं चाहती है। किसानों से समर्थन मूल्य पर उनकी पैदावार को खरीदने का वादा किया था, किसान से कर्ज माफी का वादा किया था, किसान के आवारा पशु से रोकने के लिए तारबंदी के लिए अनुदान का वादा किया था, लेकिन इन वादों पे खरी नहीं उतरी। और प्रदेश के किसानों ने जब आंदोलन शुरू किया तो उनके ऊपर दमनात्मक कार्रवाई करने लग गए हैं। सत्तारूढ़ दल की विधायक अलका गुर्जर ने अपनी ही सरकार के वन मंत्री को विभाग में पौधारोपण के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार पर घेरा। अलका गुर्जर ने सदन में ही कहा कि वन विभाग की स्थिति ये हो गई है कि यहाँ जंगल में मोर नाचा किसने देखा, क्योंकि यहाँ देने वाले भी कल्याण जी और पाने वाले भी कल्याण जी। ऐसे में पौधारोपण के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। दौसा में पौधारोपण से जुड़ा सवाल लगाकर मामला उठाया और मंत्री से पौधारोपण की मॉनिटरिंग के लिए जियो टैगिंग जैसी व्यवस्था शुरू करने की मांग की। जवाब में मंत्री ने सदन में दौसा में किए गए पौधारोपण की जानकारी दी। मंत्री गजेंद्र खीरसर ने कहा कि अगर कोई धांधली मिलती है तो जांच के बाद दोषी अधिकारियों को चार्जशीट भी थमाई जाएगी। सदन में तकनीकी कर्मचारियों की कमी, आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषाहार की गुणवत्ता, सिवाना में नए एनिकट और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के मुद्दे रखे गए। जलदाय मंत्री सुरेंद्र गोयल ने कहा कि 3000 तकनीकी कर्मचारियों की कमी है, जिनमें से 1254 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे, लेकिन मामला सब ज्यूडिस हो गया। महिला बाल विकास राज्य मंत्री अनीता भदेल ने सदन में आश्वासन दिया कि नमूने पूरी तरह से प्रमाणित करके हस्ताक्षर करके लिए गए हैं और सैंपल राष्ट्रीय स्तर पर प्राधिकृत लेबोरेटरी को ही भिजवाकर गुणवत्ता चेक की है। एनिकट संबंधी सवाल पर जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने जवाब दिया। वहीं उज्ज्वला योजना में बड़ी सादरी में जिस एजेंसी के खिलाफ शिकायत है उनके खिलाफ कार्रवाई का खाद्य मंत्री बाबूलाल वर्मा ने आश्वासन दिया। ऐश्वर्य प्रधान, शशिमोहन शर्मा, योगेश शर्मा, नरेश शर्मा के साथ ऋतुराज शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।